अच्छा चलें, ये अगला सवाल निकाल लें। अगला सवाल फिर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, नासिर चैप्टर 19 में हर सवाल के साथ मार्क्स लिखे हुए हैं, वहां से देख लें इतने साइज का न्यूमेरिकल कितने मार्क्स आता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर टू चैप्टर 19 में देख लीजिएगा, वो जितने मार्क्स होंगे उसके मुताबिक 1.8 से मल्टीप्लाई कर लें। क्वेश्चन नंबर टू, सारी चीज़ें पता है आपको, पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं। नासिर हैज़ बीन वर्किंग, भाई जान मार्क्स आपको बता दिया जाते हैं बचपन में कि कितने नंबर का सवाल है उस पर कितना टाइम लगाना है। चैप्टर 19 में सवालों के नंबर लिखे हैं, उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करें, टाइम पता चल जाएगा कितना लगाना है आपने। 10 नंबर का सवाल है 18 मिनट में करना है, 20 नंबर का सवाल है आपने जो है वो 36 मिनट में करना है। नासिर हैज़ बीन वर्किंग एज हेड ऑफ फाइनेंस इन आसाइश प्राइवेट लिमिटेड, कर लो गल आसाइश प्राइवेट लिमिटेड, पहले ही आसाइश पसंद है उसको, फुल स्टॉप। ही रिसीव द फॉलोइंग इमोलमेंट्स, जवान मन पठान तो मेहनत वाले होते हैं, तेरे जैसे तो नहीं सुस्त होते। फ्रॉम ए पी एल डी ने ये नहीं 30 जून 2022, पठानों को देखे तो हमें जज्बात है इतनी मेहनत करते। बेसिक सैलरी 8 लाख को जरूरत है 12 से, 8 लाख को जरूरत है 12 से, यार ये मिटा दीजिएगा जरा। अच्छा चलो आ जाओ। अच्छा पहले एडजस्टमेंट पढ़ लें, इन एडिशन टू अबाव ए पी एल ऑल्सो प्रोवाइडेड हिम फॉलोइंग बेनिफिट्स, ए पी एल ने ये बेनिफिट्स आपको दिए हैं। ओहो वो कह रहे हैं 1 जुलाई 2020 में एक अंडा ज्यादा लगा हुआ है। अच्छा जी, कंपनी मेंटेन कार है, एक गाड़ी है जो कंपनी ने, भाई जान इधर देख लें खुदा के लिए, इनको बता दें इधर हो रही है क्लास। कंपनी मेंटेन कार, वरना तो मैं खुद मिटा देता अगर आप लोगों को मिटाना सिखाना होता तो, फुल स्टॉप। द कार वॉज एक्वायर्ड ऑन लीज बाय एपीएल, एम्प्लॉयर ने गाड़ी जो है वो लीज पे ली है ऑन 1 जुलाई 20, दो साल पहले, 30 जून 22 में हम खड़े हैं, दो साल पहले एम्प्लॉयर ने गाड़ी, इधर देख लें, दो साल पहले एम्प्लॉयर ने गाड़ी लीज पे ली है एट एनुअल रेंटल ऑफ 11 लाख, साल का किराया लीजिंग कंपनी को एम्प्लॉयर दे रहा है 11 लाख। याद रखिएगा जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी लेके दी हो ना तो फिर साल का किराया नहीं देखना होता, गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू देखनी होती है। लेकिन अगर किसी बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन ने फिर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट उल्टा के रेंटल माइनस करना होता है। लेकिन अभी हम सैलरी का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो सैलरी के चैप्टर में गाड़ी की कॉस्ट ढूंढे अगर खरीदी हुई है, और अगर लीज पे दी हुई है तो गाड़ी की, लेकिन उस दिन की फेयर वैल्यू जिस दिन आपने लीज कमेंस की थी। द फेयर मार्केट वैल्यू द कार ऑन 1 जुलाई 2020 एंड 30 जून 2022 वाज 4 मिलियन 6 मिलियन रिस्पेक्टिवली, तो इसको काट दें आप 6 मिलियन को, क्योंकि गाड़ी की जो आपने लेनी है फेयर वैल्यू ऑन द डेट लीज कमेंस्ड, 70% गाड़ी यूज हो रही है दफ्तर के कामों में और 30% घर के कामों में, तो इसलिए हम देखते हैं जाके इस 70 और 30 का क्या करना है। सैलरी के बिल्कुल नहीं काटना, इसको काट लिया तो कोई हमें काट लेगा, कोई काटेगा तो हमें बुरा लगेगा क्योंकि वो कहेगा तुमने क्यों काटा, इसलिए बदले में मैंने काटा, काटा काटा बराबर। तो यहां से पता चला कि पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल के लिए यूज हो रहे हैं, बाकी 70-30 से फर्क नहीं पड़ता, 80-20 हो 90-10 हो, बस थोड़ा सा बिजनेस और थोड़ा सा घर, तो सिनेरियो कितने परसेंट लगेगा, 5% होगा, 70-30 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम सैलरी, सर बिजनेस का न्यूमेरिकल भी होगा, अभी थोड़ी देर पहले करवाया आपको, सेल्स हिज सेल्स टू डैट इतने, और सबर कर जाएं इस सवाल के अंदर भी इंशाल्लाह, सर बिजनेस का न्यूमेरिकल भी होगा जी, होगा बिजनेस का न्यूमेरिकल भी होगा जी, अगले सफे पे होगा, आते रहिएगा इंशाल्लाह, आप लोगों को 3:25-20 तक फारक कर दिया जाएगा। सैलरी बताएं जी, आठ लाख जरबे 12,
जी रुपीज इन थाउजेंड 9600। आगे चलें जी, कार प्रोवाइडेड, कार प्रोवाइडेड 4 मिलियन होगा, 4 मिलियन इंटू 500। ये आई रियली अप्रिशिएट जो वाले मोबाइल एग्जिस्ट करते हैं अभी दुनिया में, सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट। ये नमाज में भी यही होता है, फिर नहीं मिलता। एक दिन इमाम से इरेलेवेंट बातें, प्लीज टाइम नहीं जाया करना। इट इज गुड टू लिव ऑन ओन मनी। पॉइंट नंबर टू, 250 लीटर पेट्रोल एवरी मंथ, लगता है गाड़ी नहीं जहाज है। भाई जी अगली एडजस्टमेंट पे आ गए हम, आ जाए 250 लीटर पेट्रोल एवरी मंथ, पेट्रोल की एवरेज प्राइस है 180 लीटर। तो आप मुझे बता दें कि ये 250 लीटर पेट्रोल किसकी तरफ से ऑफर है? APL की तरफ से। एक चीज़ ज़रा सोच के बताइएगा प्लीज़, ज़्यादा नहीं, एक चीज़ सोच के बताइएगा, जो 250 लीटर पेट्रोल हर महीने मिल रहा है इसको, तो ये गाड़ी 70% तो चला रहे दफ्तर के काम में, तो फिर 70% पेट्रोल तो उधर इस्तेमाल हो जाता होगा, क्योंकि गाड़ी तो वही है ना, पेट्रोल गाड़ी से ही लिंक्ड है ना। तो ये तो नहीं कि अपने में पेट्रोल डलवाता होगा 250 लीटर पेट्रोल। तो गाड़ी से ही लिंक्ड है ना। तो अब आप मुझे बता दें, 250 लीटर पेट्रोल पूरा ऐड करें या दफ्तर के काम में भी इस्तेमाल हो रहा है पेट्रोल, इसकी ज़ात को कितना फ़ायदा आ रहा है 30% पेट्रोल से, इसकी घर वालों को जो लेके जा रहे हैं तो उस दौरान पेट्रोल कितना इस्तेमाल हो रहा है? पेट्रोल लिखूं या डायमंड लिखूं? पेट्रोल। अच्छा जी, आप पेट्रोल बताएं, 250 को ज़रब दूं अगर 12 से तो क्या निकलेगा? साल का पेट्रोल, बोलें साल का पेट्रोलों के लीटर निकलेंगे। भाई को सफा दे दें, अगर मैं इसको जरब दे दूं 250 से 180 से तो क्या निकल आएगा? साल के पेट्रोल का खर्चा। ये पेट्रोल, ये एक अमाउंट है, ये एक एहसास है, बल्कि ये जरा आप मुझे बताइए, ये कितनी फिगर थी? 96 और वो 2000। ये जो फैक्टर है, 250 लीटर हैं, 12 महीने हैं और 180 पेट्रोल की प्राइस है, इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पता चल जाएगा साल में कितने का पेट्रोल डलवाया। जरा साल में कितने का पेट्रोल डलवाया? 540,000 का साल में इसकी गाड़ी में पेट्रोल डला। वो गाड़ी फिर कितनी इस्तेमाल हुई घर के काम में? 162। नोट करें, फिर आपके सवाल लेना मैं शुरू करता हूं एक एक करके। इधर इधर डंडे भरने। ओके, अच्छा जी, सम पीपल आर ट्राइंग टू मिक्स इट विद दिस कॉन्सेप्ट, सम पीपल आर जबरदस्ती ट्राइंग टू मिक्स इट विद दिस कॉन्सेप्ट, अलाउंस वाला। अलाउंस होता है लगा बंदा कैश, अलाउंस की डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये सारी बहस तो बात की है, पहले अलाउंस में रहता हूँ। अलाउंस होता है लगा बंदा कैश, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लगा बंदा कैश दे रहा है या डायरेक्ट पेट्रोल डलवा के दे रहा है? तो पागल है जो बंदा ये कह रहा है कि ये अलाउंस वाले प्रोविजन लगेगा। अलाउंस वाली प्रोविजन तो तब लगेगी जब ये अलाउंस हो। अलाउंस का मतलब होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बुला के कहे कि भाईजान इतना रुपये आप ले लें, आगे आपकी मर्जी है पेट्रोल डलवाएं ना डलवाएं, वो आपका और आपके पेट्रोल वालों का मामला है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा।
तो इस पे अगर आपने कुछ लगानी भी है ना प्रोविजन, तो फिर आप ये वाली कुछ लगा सकते हैं, रीइंबर्समेंट टाइप प्रोविजन। और रीइंबर्समेंट में एक और लफ्ज़ भी यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप पेज 82 पे आए, पॉइंट डी, एन एक्सपेंस ऑफ एन एम्प्लॉय डेट इज पेड बाय एम्प्लॉयर। रीइंबर्स नहीं हुआ, डायरेक्ट पे हो गया, यानी एम्प्लॉयर ने उसका पेट्रोल डलवा के दे दिया। अदर देन रीइंबर्समेंट फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज वाला ऐड नहीं करना, अदर देन फॉर ऑफिशियल ड्यूटी। ऑफिशियल ड्यूटी वाला 70% है, तो फिर इसकी जात को कितना फायदा हो रहा है? 30%। अलाउंस वाली प्रोविजन तब लगेगी जब वो अलाउंस दे रहा हो। अलाउंस होता है लगा बंदा कैश, ये तो पेट्रोल दे रहा है। नेक्स्ट, रीइंबर्समेंट ऑफ कार मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, वही वाली कार। रीइंबर्समेंट ऑफ कार मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, कार मेंटेनेंस क्या होती है? ट्यूनिंग वगैरह करवा ली, ऑयल वगैरह डलवा लिया, वॉश वगैरह करवा ली गाड़ी। रीइंबर्समेंट ऑफ कार मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अप टू 20,000 पर मंथ, ये रीइंबर्समेंट है। इस पे भी पॉइंट डी लगेगा, रीइंबर्समेंट है अप टू 20,000 पर मंथ। 20,000 तक तुम कार मेंटेन करवा लिया करो। 20,000 पर मंथ का मतलब है 2,40,000। अटेंटिव, 20,000 पर मंथ का मतलब है साल का 2,00,000। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुला के कहा 2,40,000 तक गाड़ी की मेंटेनेंस मेरी तरफ से। लेकिन ऑब्वियसली गाड़ी या जहाज तो नहीं है ना, तो उसने पूरा साल वॉश भी करवाई, बार बार ट्यूनिंग भी करवाई। मैक्सिमम उसका खर्चा जो एक्चुअल आया वो 1,50,000 आया। आप बताएं एम्प्लॉयर ने ऑफर कितने की थी? 2,40,000। उसने उसमें से ऑफर अवेल कितनी की? तो डिस्कशन 240 पे करें, 150 पे करें? 150 पे। 240 पे डिस्कशन ना करें, वो इंप्लॉय बेचारा रोएगा, जो बेनिफिट मुझे मिला ही नहीं उस पे क्यों डिस्कशन कर रहे हो। ऑफर कितनी की? 2,50,000, 240 की। उसमें से अवेल कितनी की? 150 में भी फिर अगली बहस होगी कि जो 150 की इसने मेंटेनेंस करवा के दी है, वो मेंटेनेंस इस वजह से भी करवा के दी है कि गाड़ी दफ्तर के काम के लिए दूसरे शहर जाती थी तो कीचड़ वाली होके आती थी, और गाड़ी घर के काम के लिए भी जाती थी तो कीचड़ वाली होके आती थी। तो इसका मतलब है मेंटेनेंस भी सिर्फ वो ऐड करेंगे जिससे एम्प्लॉय की जात को फायदा हुआ है। एम्प्लॉय की जात को कितना फायदा हुआ है? 30%। भाई पूरे सवाल में ना, कभी पूरे दो तीन सवालों में, ऐसी एक मिसाल दे रहा हूं, दो तीन सवालों में किसी एक सवाल में कोई एक ऐसी एडजस्टमेंट भी होती है। कभी आप आईकैप का सोल्यूशन जाके देखेंगे, वो और होगा, हमारी किताब में कुछ और होगा। जैसे अभी ये जो आपको मैंने सवाल करवाया था प्लांट वाला और लोन वाला, तो इस लोन वाले में आईकैप ने करेंसी के एक्सचेंज गेन लॉस निकाल के एसेट की कॉस्ट में डाला हुआ है, और आईकैप की वेबसाइट पे सोल्यूशन अपलोडेड है। फिर उनको ईमेल करके बताया गया कि भाई जान, अभी तो करेंसी एक्सचेंज गेन लॉस आएगा तब जब करेंसी एक्सचेंज होगी, अभी तो आपने लोन की रीपेमेंट ही नहीं की। तो आईकैप ने कहा बिल्कुल ठीक है, हमारे सोल्यूशन में गलती है, लेकिन उसने अभी तक सोल्यूशन सही नहीं किया। तो कोई चीज़ अगर कोई बच्चा आईकैप के सोल्यूशन जाके देखे और वहाँ से मिसमैच करे, तो आप ये मत कहिएगा सर आपने आईकैप का सोल्यूशन नहीं देखा था, मुझे पता है आईकैप की वेबसाइट पर सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो कोई एक दो पॉइंट में हमारा उनका इख्तलाफ हो जाए तो उसको बस हजम कर लिया करें, बिला वजह आखिरी दिनों में परेशान नहीं होना, क्योंकि कोई और कहीं और पढ़ा होगा, वो आपको कोई और तस्वीर भेजेगा, आप कोई और तस्वीर उसको भेजेंगे, फिर एक अगली बहस शुरू हो जाती है। और रॉयल्टी की डेफिनेशन उधर ही खड़ी होती है, यार मुझे भी याद कर लो। नहीं, जरा इस पॉइंट पे आ जाओ, मैं तुम बात करें, तुम अपने सर के पास जाओ, मैं अपने सर के पास जाता हूँ, चलो हम आईकैप चलते हैं। रॉयल्टी की डेफिनेशन के साथ फिर पीई की डेफिनेशन भी उधर होने लग जाती है, लो मैं भी रहेगी। तो जितना आप इन चीज़ों में टाइम जाया करेंगे, उतना दूसरे जो इजी मार्क्स होंगे उनको आप नुकसान दे रहे होंगे। अच्छा जी, 1,50,000 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, या वो ऑलरेडी साल का है? ऑलरेडी साल का है। तो ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 रुपया रीइंबर्स हुआ है इन दिस रिस्पेक्ट। 1,50,000 मोबाइल फ्रेश होता रहता है जरा बंदा, 1,50,000 को जरब दे दें 45। मैं भी जरा देखूं यार सुबह का, ये आपके सामने है, मैं एज इट इज उठाने लगा हूं, एज इट इज। ये क्यों उल्टा रखा हुआ है इसको, क्यों उल्टा रखा हुआ है? नजरों की हिफाजत हो इसलिए उल्टा रखा हुआ है, बार बार मैसेज आएंगे। अब ये देख लो, ये देख लो, थोड़ा 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 थोड़ा, ये देखें कितने आए हैं। तो ये आगे घंटे बाद आप उठाते हैं तो लुट मची होती है, तो फायदा क्या है इसको? उल्टा कर दें, उल्टा कर दें, चलें आगे चलें। पॉइंट नंबर 3 इज ओवर। पॉइंट नंबर 4, पहले तो ले जाओ कैमरा जी, कैमरा होता है, शुक्र है बता दिया। पॉइंट नंबर 4, ये शुरू कहाँ से हो रहा है और खत्म कहाँ हो रहा है? अच्छा,
एन ऑप्शन वॉज ग्रांटेड, कॉन्सेप्ट आसान सा है, ले आए वापस, बिल्कुल ड्राइवर पे फोकस करें. एन ऑप्शन वॉज ग्रांटेड टू नासिर इन अगस्त 2021. एक ऑप्शन दी गई है नासिर को अगस्त 2021 में, हमारे साल के दूसरे महीने, हमारा साल शुरू होते ही. एक ऑप्शन दी गई है नासिर को अगस्त 2021 में टू एक्वायर 2500 शेयर्स. तो प्लीज शेयर एक्वायर नहीं किए. ही हैज एन ऑप्शन वॉज ग्रांटेड टू एक्वायर शेयर्स. एक ऑप्शन दी गई है, प्री रजिस्ट्रेशन दिया गया है, कागज का टुकड़ा दिया गया है कि तुम 2500 शेयर खरीद सकते हो इन APL पेरेंट कंपनी, मेरे बाप कंपनी में, मामू PLC है मेरी पेरेंट कंपनी लेकिन नाम उसका मामू PLC है. ये लिस्टेड है हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज से, डोंगकांग, कांगकांग या हांगकांग, हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज. हाउएवर द ऑप्शन वॉज एक्सरसाइजेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 months. जब आप नौकरी के 6 महीने पूरे कर लेंगे तो फिर ये ऑप्शन एक्सरसाइजेबल होगी. मोहतरम, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्शन, खुदा का खौफ करें. वो रिस्ट्रिक्शन लगती थी शेयर खरीदने के बाद, वो ये होती थी कि आप शेयर नहीं बेच सकते. अभी तो शेयर भी नहीं खरीदे, उसने कहा प्री रजिस्ट्रेशन तुम आके मुझे मत दिखाना कि मैंने प्री रजिस्ट्रेशन करवाई भी है. 6 महीने बाद प्री रजिस्ट्रेशन लाना, 6 महीने बाद लाना, उससे पहले ना लाना, फिर इंशाल्लाह तुम्हें शेयर दे दूंगा. तो इसलिए इसका कोई सवाल में इंपैक्ट नहीं होगा. बस उसने सिंपल लिखा हुआ है, ये जो प्री रजिस्ट्रेशन है तुम एक्सरसाइज कर लेना आफ्टर 6 मंथ. 6 महीने गुजरेंगे तो ये कागज का टुकड़ा मेरे पास ले आना, मैं तुम्हें शेयर दे दूंगा. नासिर पेड 2 लाख टू एक्वायर द कागज का टुकड़ा, ये होगी कॉस्ट ऑफ राइट. तो राइट आपने खरीदे हैं 2 लाख रुपए के. व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू वॉज 2.5 लाख, मैंने कहा था फेयर मार्केट वैल्यू राइट की या ऑप्शन की इग्नोर करनी होती है अनलेस कि आप कागज का टुकड़ा बेच दें. आपने तो बेचा ही नहीं, तो इसलिए सेक्शन 14(1) में पढ़ा था कि आपने इसको इग्नोर करना होता है. ऑन यकम फरवरी 22 को ही पेड 3 लाख. एक पेमेंट वो कर चुके 2 लाख की, वो कागज का टुकड़ा खरीदने की थी, पेड एक जगह पेड पहले लिख दिया उसने, 2 लाख की वो पेमेंट कर चुके हैं. ऑन यकम फरवरी का मतलब है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने गुजरने के बाद. अब 6 महीने गुजर गए हैं, अब वो अपने कागज के टुकड़े को लेके जाएगा और शेयर खरीद लेगा. ऑन यकम फरवरी 2022 ही पेड 3 लाख टू एक्वायर द शेयर्स इन मामू PLC. द शेयर्स वर इशूड टू हिम ऑन 15 फरवरी. ठीक है, वो कोई मसला नहीं. असल में अब आपने शेयर इशू, यकम को उसने पैसे दे दिए, कंपनी ने प्रिंट करा के शेयर 15 फरवरी को दिए, तो जब शेयर्स मिले उस दिन की आपने फेयर वैल्यू लेनी है. तो शेयर्स वर इशू टू हिमान 15 फरवरी व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वाज इक्विवेलेंट टू PKR 375. शेयर्स कितने हैं? 2500 शेयर्स जिनकी मार्केट में कीमत 15 फरवरी को 375 थी, वो हमने 3 लाख और 2 लाख दे के खरीद लिए. 3 लाख इज कॉस्ट ऑफ शेयर एंड 2 लाख इज कॉस्ट ऑफ राइट. अब दोबारा फिक्र सारा पढ़ लें. हमारे पास एक ऑप्शन है शेयर खरीदने के लिए और शेयर किसी बाहर की कंपनी के हैं. ये ऑप्शन एक्सरसाइज में कर सकता हूँ 6 महीने बाद, यानी शेयर खरीदूंगा 6 महीने बाद. अभी मैंने 2 लाख रुपया कागज़ के टुकड़े के दे दिए, इसके बाद मैंने 3 लाख रुपये और दिए हैं शेयर खरीदने के. द शेयर्स वर इशूड ऑन 15 फरवरी और 15 फरवरी को उसको शेयर मिल गए हैं जब उनकी मार्केट में कीमत यह है. जी, शेयर्स एक्वायर्ड, शेयर्स का मिलना सैलरी में जाता है, बिकना कैपिटल गेन में. शेयर्स एक्वायर्ड, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर. अच्छा जी, फेयर मार्केट वैल्यू, क्वांटिटी जरा 375 रुपीज इन थाउजेंड में बताना मुझे, दे मुझे देने के लिए 938 लेस कॉस्ट ऑफ शेयर 3 लाख, ये पर शेयर नहीं दी भी, लेस
कॉस्ट ऑफ राइट बोला जी. व्हाट इज माय इनकम फ्रॉम सैलरी? ये टैक्स की क्लास हो रही है. आपने किसकी लेनी है? सुबह 8 बजे की बस चली हुई है. आप बीच में आके बैठे बैठने लगे. बैठते मरहबा 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 जी. मोहतरम आप क्या फरमा रहे थे बोले? अच्छा जी, अगली एडजस्टमेंट पढ़ें जी. अगली एडजस्टमेंट पढ़ें. ऑन 15 जून 2022 को नासिर सोल्ड 2000 शेयर्स. नासिर ने 2000 शेयर्स बेच दिए हैं इन मामू पीएलसी. अच्छा जी, आप डिसाइड कर लें ये शेयर्स प्राइवेट कंपनी के हैं या पब्लिक के हैं. यानी सेक्शन 37 लगेगा नॉर्मल टैक्स रिजीम या सेक्शन 37 ए लगेगा सेपरेट ब्लॉक. क्या ये मामू पीएलसी के शेयर फेडरल गवर्नमेंट ने खरीदे हुए हैं? नहीं लिखा हुआ. क्या मामू पीएलसी के शेयर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने खरीदे हुए हैं? क्या मामू पीएलसी के शेयर किसी ऐसी कंपनी ने खरीदे हुए 100% जिसको गवर्नमेंट ने खरीदा हो 100%? क्या मामू पीएलसी के शेयर्स पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं? नहीं, हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है. हांगकांग अभी पाकिस्तान नहीं आया. आपके पेपरों तक मुझे नहीं पता क्या होगा. तो क्या ये पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं? जब चारों सालों का जवाब आ गया नो, तो अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज कॉल्ड अ, सो दैट फॉर इट्स अ प्राइवेट कंपनी. तो आपने चार सवाल पूछा करने हैं सवाल से. अगर चारों का जवाब आए नो 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 नो, तो इसका मतलब है ये कंपनी कौन सी है. अब सैलरी के लिए कितनी लाइनें छोड़नी है? 1 2 एहतियातन 3 छोड़ देता हूँ बस. और क्या छोड़नी है लाइनें? 2-3 लाइनें छोड़ देते हैं सैलरी के लिए. वर्किंग च्यू नहीं, बस मैं बोलूंगा. इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स कर सकते हैं आप. फॉरेन सोर्स आप लिख सकते हैं क्योंकि बाहर की कंपनी के शेयर बेचे हैं. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉरेन. हाँ जी, बाउले कंसिडरेशन रिसीव्ड. नासिर सोल्ड 2000 शेयर्स एंड रिसीव नेट पैसे 8,75,000 रुपए उसके बैंक में आए हैं. दिस अमाउंट वॉज रिसीव्ड आफ्टर बैंक चार्जेस ऑफ 5,000 एंड ब्रोकरेज एंड कमीशन ऑफ. इस अमाउंट तक पहुंचते हुए दो चीजें माइनस हो चुकी हैं. अगर ये माइनस ना होती तो मुझे बताएं इसको असल में बाहर के मुल्क में कितने पैसे मिले. बाहर के मुल्क में इसको पैसे मिले हैं 875 प्लस 5 प्लस 10. ऑन 15 जून नासिर सोल्ड 2000 शेयर्स इन एमपी एंड रिसीव नेट प्राइस ऑफ 875. नेट मिले इसको 875. दिस अमाउंट वॉज रिसीव्ड आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंक चार्जेस एंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ. तो व्हाट इज द सेल प्राइस? व्हाट इज द कंसिडरेशन रिसीव? इज इट 875 और 875 इज नेट ऑफ टू थिंग्स प्लस. एंड पे मैं लेस करूंगा क्योंकि मुझे पता है ये जेन्युइन खर्च है. एंड पे मैं लेस कर दूंगा, मुझे पता है ये जेन्युइन खर्च है, ये माइनस करने की इजाजत है. लेकिन फिलहाल मेरा सवाल आपसे ये था कि उसने बाहर के मुल्क में बेचा कितने का. आप लोग मुझे बता रहे थे उसे पैसे मिले कितने, मैं पूछ रहा हूं उसने बेचा कितने का. बाहर के मुल्क में उसने बेचे जी 890 का. वो बेचारे की किस्मत के कटते 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 उस तक पहुंचे पैसे सिर्फ 1,000,000. ओके, दिस अमाउंट वॉज रिसीव्ड आफ्टर रिडक्शन ऑफ बैंक चार्जेस एंड कमीशन. अच्छा, ये तो 200 शेयर्स बेच के हमारे पास पैसे आ गए. अब सवाल ये है कि कॉस्ट होगी ए बी सी.
वेयर ए इज द कॉस्ट ऑफ शेयर, बी इज द कॉस्ट ऑफ राइट एंड सी इज इनकम फ्रॉम सैलरी. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ शेयर? 300. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ राइट? 200. व्हाट इज इनकम फ्रॉम सैलरी? 430. नाइन थर्टी एट. लेकिन सेल किए आपने 2000 शेयर्स और परचेज किए थे 2500, तो ये डेटा 2000 शेयर्स का, ये 2500 का, तो एक फैक्टर लगाना पड़ेगा. 938 अगर 2500 शेयर का डेटा है तो मुझे 2000 शेयर्स का डेटा दे दो जी. 750 जी बोले. उसके प्रोसेसर डाउन हुआ वैसे का. ये आ गया ए माइनस बी. हाउ द गेन इज कैलकुलेटेड इन द चैप्टर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट. ए माइनस बी, इसमें से माइनस कर दें. अगर कोई कैपिटल गेन कमाने में जेन्युइन खर्चे किए हैं, कोई पेनल्टी टू गवर्नमेंट वगैरह वो नहीं माइनस करनी. अगर कोई जेन्युइन खर्चे हैं तो वो माइनस कर दें. वो दो हैं, बैंक चार्जेस और बैंक कमीशन या कमीशन टू ब्रोकर जी. बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन, ऊपर ऐड भी किया आपने 5 और 10, नीचे फिर लेस भी किया 5 और 10. हाँ ठीक है, किया तो किया, कर लो जो करना है. मर्जी मेरी तो नहीं चल रही इस क्लास में, मर्जी तो लॉ की चल रही है. नहीं नहीं बेहतर है कि इसी तरह चले. बैठो सही तरह, 90 डिग्री पे रखो कमर को पूरी क्लास में. ओके, एड हॉक रिलीफ. नशा होता है ऐसे ऐसा जो न्यूमेरिकल का चढ़ाव होता है, न्यूमेरिकल कराएं, न्यूमेरिकल कराएं, न्यूमेरिकल कराएं. एड हॉक रिलीफ इक्वल टू, अब हम ब्रेक लेते हैं इंशाल्लाह 10, अभी क्या हुआ है 20, हाँ 20-22 मिनट बाद हम ब्रेक ले लेते हैं, ताकि 45 मिनट की आराम से एक ब्रेक हो फुल टाइम, 40-45 मिनट की. एड हॉक रिलीफ अलाउंस इक्वल टू 1 month सैलरी कीपिंग इन व्यू द इंक्रीज इन इन्फ्लेशन. उसे जरूरत के वक्त बेसिक सैलरी के कुछ पैसे मिले हैं इन्फ्लेशन की वजह से, 1 महीने की तनख्वाह इसको और मिली है. एक बात भाई याद रखिएगा, जब भी किसी रो से कोई भाई उठे, आप तो हो है ना, एक बात याद रखिएगा कि सैलरी के चैप्टर में ना एग्जेम्पशंस की लिस्ट दी हुई है. सैलरी के चैप्टर में किसकी लिस्ट दी हुई है? और वो जो एग्जेम्पशंस है ना, वो अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे, वो एग्जेम्पशंस जो है वो शुरू हो रही हैं, वो शुरू हो रही हैं पेज नंबर 102 से, जिसमें पेंशन माफ है, मेडिकल फैसिलिटी माफ है और बहुत सी चीजें इस तरह की माफ है. तो एग्जेम्पशंस के चैप्टर के अंदर मोहतरम ये सारी एग्जेम्पशंस हमने देखी थी. सैलरी के चैप्टर के अंदर ये चीजें एग्जेम्प्ट हैं वो हमने देखी थी. जो चीजें एग्जेम्प्ट नहीं है, याद रखिएगा पेपर में बाय डिफॉल्ट वो टैक्सेबल है, इसलिए इस पे बहस नहीं होगी कि ये एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है. अगर लॉ में ऐसा कोई चीज एग्जेम्प्ट नहीं है तो डेट इज बाय डिफॉल्ट टैक्सेबल. फ्रेश हो जाता है जरा बंदा मोबाइल यूज करके ना थोड़ा सा. एडहॉक रिलीफ, एडहॉक रिलीफ जरूरत के वक्त उसको खुशी दी है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशन की वजह से यह फायदा आया. 1 month की सैलरी उसको दे दी है. कितनी आ गई जी? 800. क्लियर?
आगे नासिर इनका मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 20,000 फ्रॉम जुलाई टू नवंबर, जुलाई से नवंबर तक उसने महीने का खर्चा किया है 20,000 वाइल वर्किंग फ्रॉम होम अंडर कोविड गाइडलाइंस इशूड बाय APS मैनेजमेंट। कोविड पता है ना क्या होता है? अच्छा, तो उसने घर बैठ के काम किया, घर बैठ के काम करने पे उसका खर्चा हुआ है मंथली एक्सपेंडिचर। तो सैलरी के चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया गया था कि किसी भी किस्म के खर्चे माइनस करने की इजाज़त ना है। तो अगर आप इस चैप्टर में आए हैं तो आपको मैं बताऊं व्यंजन नो डिडक्शन शैल बी अलाउड। साथ वाले से पेज पूछ रहे, चपेड़ मारे बंदा। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एन एक्सपेंस पेड बाय एन एम्प्लॉय। सैलरी के चैप्टर में किसी भी किस्म के खर्चे माइनस करने की इजाजत ना है, इसलिए लेस डाल के इग्नोर कर दें। लेस एक्सपेंडिचर ओके। बरकत मार्केट तो नहीं चले जाएंगे नाश्ता करने? ज़्यादा दूर ना जाइएगा, जो भी करना हो ये करीब गोर में है, वॉक करके यहाँ चले जाइएगा। ओके, इट इज़ गुड टू लिव ऑन मनी। जी मोहतरम, अगला पॉइंट। चेहरों पे विशासत रखें सर, मुस्कुरा के देखें साथ वाले को। आप इधर देखें, विद होल्डिंग टैक्स बताएं जी कितना कटा है। विद होल्डिंग टैक्स के लिखें, एंड पे माइनस करना है। लिखें विद होल्डिंग टैक्स जो सैलरी से कटा है वो एंड पे माइनस होने हैं। विद होल्डिंग टैक्स ऑफ 1244 एंड पे क्या होने? माइनस होने। आगे चलें, आगे एक लाइन उसने लिखी हुई है, एंड वॉज रीइंबर्स टू हिम, और एम्प्लॉयर ने उसको रीइंबर्स भी कर दिया। असल में ना एम्प्लॉयर अगर उसको ये पैसे दे देना तो ये एक बेनिफिट है, जिसको हमने पेज 83 के ऊपर 84 पे पढ़ा था, वेयर एन एम्प्लॉयर एग्रीज टू पे द टैक्स ऑन एम्प्लॉय सैलरी। तो एम्प्लॉय की सैलरी में ये ऐड हो जाएगा, लेकिन इसमें ना 3 स्टेप वर्किंग नहीं करनी, क्योंकि एम्प्लॉयर ये वादा नहीं कर रहा कि मैं आपका सारा टैक्स देता हूं। एम्प्लॉयर कह रहे हैं मैं आपका 1244 बस देने को तैयार हूं और मैं नहीं दे रहा, एंड दिस वॉज रीइंबर्स टू हिम एग्जैक्ट। तो ये सिनेरियो बनेगा इस टाइप वाला। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा सिनेरियो बनेगा, जिसमें 500 रुपया जो हमने किया था पेज नंबर 85 पर, 500 रुपया उसको एम्प्लॉयर ने कहा था कि मैं तुम्हारा टैक्स दे देता हूँ, तो हमने सिर्फ ऐड किया था, एंड पे लेस इसलिए कर लिया था कि इतना टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पहुँच चुका है। लेकिन अगर सिर्फ इतना सा लिखा होता ना फ्रॉम हिज सैलरी, फिर सिर्फ एंड पे लेस करना था। अभी हमने एंड पे तो लेस करना ही करना है क्योंकि उसका टैक्स इतना कट चुका है, लेकिन ऐड इसलिए करना है कि ये एम्प्लॉयर ने उसको रीइंबर्स कर दिया, यानी बेचारे एम्प्लॉय को खुशी होगी, उसकी जेब से पैसा नहीं गया बल्कि एम्प्लॉयर की तरफ से ये एक बेनिफिट मिल गया। फिलहाल इसको ऐड कर दें और एंड के लिए इसको लिख दें, एंड पे माइनस भी करना है, एंड पे माइनस करना अभी लिख दें, ऐड में अभी करा देता हूँ साथ में। ओके, अच्छा मोहतरम ये ना अगर आप पेज 381 पर देखें, मैं आपको अभी पेज पे तो नहीं ला रहा,
पेज 381 पर देखें, वहाँ भी एडजस्टमेंट लिखी हुई है, लेकिन वो और लाइन्स के साथ लिखी हुई है। इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ हर एम्प्लॉयमेंट, इनकम टैक्स रिलेटेड टू हर सैलरी इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर। आप इधर अमाउंट नहीं दी हुई, आप क्या एम्प्लॉयर कोई फिक्स अमाउंट उसको रिइंबर्स करे या पूरा टैक्स उसका देने को तैयार है? इधर थ्री स्टेप वर्किंग करेंगे। तो लिखें आप आज इसी सवाल के ऊपर कहीं जाके जहां ये एडजस्टमेंट लिखी हुई है कि क्वेश्चन 17 पेज 381 में, इसी के साथ लिखना है जहां ये एडजस्टमेंट चल रही है। क्वेश्चन 17 पेज 381 पर हम थ्री स्टेप वर्किंग करेंगे, इसलिए कि सारा टैक्स एम्प्लॉयर दे रहा है। थ्री स्टेप वर्किंग करेंगे इसलिए कि सारा टैक्स एम्प्लॉयर दे रहा है। तेजी से बस पिंडी की तरफ रवा दवाएं, भेरा में स्टॉप आने वाला है, अभी हम रुकेंगे, रुक के चाय शाय पियेंगे, जैसे कि बस से उतर के लोग चाय पीते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर हम चाय पियेंगे उतर के, बिल्कुल उसी मिजाज के ऊपर। अदर इंफॉर्मेशन, वो जो बस वाले पिलाते हैं फिर शुरू में टिकट में वो अच्छा चलो बाद आप इस तरह लेके गए हो तो मैं भी ले गया फिर। अदर इंफॉर्मेशन, ये तो अदर इन्फॉर्मेशन है, छोड़ने पर है यार, तू फ्रेश होता रहा कर, थोड़ी थोड़ी देर मोबाइल इस्तेमाल करके ना फ्रेश होता रहा कर तू। तेरे से मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू भी क्लास में मोबाइल इस्तेमाल करेगा यार, बड़े मौके पे आया, उसकी शादी हो गई है बड़े मौके पे आया। अब इधर देख, देख ना, अब इधर देख, ड्यूरिंग द ईयर, इस साल और कुछ होता ना होता, ही गॉट मैरिड, उसकी शादी होगी, देखें कोरोना में शादी होगी उसकी, He got married and received 10 लाख और 10 लाख रुपया इसको मिला इन कैश। वलीमा जब इसका हो रहा था तो गेट पे बैठ गया, लोगों ने वहीं सलामियां देना शुरू कर दिया। तो he received 10 लाख इन कैश एज, बंदे का नाम क्या है, तो नासिरा कर देते हैं, दुल्हन का नाम नासिरा, दुल्हन का कर देते हैं ना, बंदा नासिर है तो। ड्यूरिंग द ईयर नासिरा, अच्छा ड्यूरिंग द ईयर He got married and received 10 lakh in cash as gift from various relatives. वो जो नाराज थे वो भी गिफ्ट दे रहे हैं, जो राजी थे वो भी गिफ्ट दे रहे हैं, एंड फ्रेंड्स। ये 10 लाख रुपए इसको रिलेटिव से भी मिला है और फ्रेंड से भी मिला है, दोनों से मिला है। इस 10 लाख में से 4 लाख तो सीधा सीधा अम्मी अब्बू ने दे दिया, बैलेंसिंग 6 लाख फिर मिला होगा रिश्तेदार, अम्मी अब्बू के अलावा भी होते हैं हमारे, होते हैं ना, तो अम्मी अबू के अलावा भी रिश्तेदार होते हैं। सबने कितना दिया? 10 लाख। मियां बीवी ने जाके जब लिफाफे काउंट करने शुरू किए तो उसमें से कितने पैसे निकले? 10 लाख। उसमें से शोर ने प्रेशर डालने के लिए बताया कि 4 लाख तो मेरे माँ प्यो ने दिता है, 4 लाख तो मेरे अम्मी अबू ने दिया, तो बेगम ने कहा बाकी रिश्तेदारों में मेरे वाले कवर हो जाएंगे, तो 6 लाख जो है वो दिया है किसने, बाकी रिश्तेदारों ने और दोस्तों ने। अब सवाल ये है कि ये किसी जालिम ने भी चेक बना के नहीं दिया, सारे लफाफे में पैसे डाल के ले आए। आप लोगों ने आइंदा चेक बना के देना है, वो छपाफा खोले अंदर क्रॉस चेक हो, ये मसला हो गया ना, ये अब इसी का आप लोगों ने तो सही करना है। अब ये मसला चल रहा है, शादी के कार्ड पे उन्हें लिख दीजिएगा सलामी रिसीव्ड इन कैश विल नॉट बी एप्लीकेबल, लोगों ने लानी कोई नहीं, ओनली चेक एक्सेप्टेबल। शादी के कार्ड पे कौन कौन लिखेगा, कोई ऐसे पंगे पंगे लिया करें शादी के कार्ड पे? मैंने RSVP का मतलब ढूंढा था, फिर वो पता नहीं कोई लातीनी जबान का लफ्ज़ था, फिर मैंने वो लिख दिया था, फिर लोग पूछ रहे थे क्या लिखा हुआ है, रिस्पॉन्डीज पता नहीं क्या होता है, तो कुछ पंगे पंगे शादी के कार्ड पे हल्के फुल्के किया करें जरा आप भी। तो इसलिए कौन कौन लिखेगा, ओनली चेक एक्सेप्टेड, ओके तो पुरानी बात होगी। ही गॉट मैरिड, आप बता देंगे गिफ्ट किस में मिले? कैश में। अच्छा
अब एनटीएन नॉट एनटीएन नहीं देखा जाएगा, कैश में तो एनटीएन वाला भी नहीं दे सकता। अगर आप अदर सोर्स के चैप्टर में आए तो जिन लोगों के पास एनटीएन था उनको चेक या बैंकिंग चैनल में देने चाहिए थे पैसे, उधर ही पैसे ट्रांसफर करके स्क्रीनशॉट शेयर कर देते व्हाट्सएप पे दो लगे, या जिनके पास एनटीएन नहीं था उन्हें चेक से देने चाहिए थे, कैश में तो कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए इसमें यह देखा जाएगा 4 लाख अबू अम्मी वाले के लिए अलग रूल, बाकी 6 लाख के लिए अलग रूल, ना 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 ना, इस पूरे 10 लाख पे यही प्रोविजन लगेगी। आप बता दें क्या ये जो कैश है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। वर्किंग नंबर 3, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें 4 लाख 6 लाख को अलग मत करें, बस सिंपल इस तरह लिख दें, कैश रिसीव कितना 1000। इसके अलावा शोर ने बीवी को कहा मेरी अम्मी अब्बू ने देख मुझे गाड़ी, बीवी ने कहा मैं खुद आ गई, बड़ी गाल है, बीवी ने भी जवाब दिया था। अच्छा, इन एडिशन हिज पेरेंट्स गिफ्टेड हिम अ कार वर्थ रुपीज 50 लाख। तो पेरेंट्स ने 50 लाख रुपए की जो है वो एक गाड़ी दी है। अब आप मुझे बता दें ये कैश गिफ्ट है या इन काइंड है? गाड़ी ऐसे तो नहीं होता आप जेब में डाल के गिन रहे हो, गाड़ी की खुशबू सूंघ रहे हो, ये गिफ्ट इन काइंड है, रिलेटिव से मिला है, फिर ये नॉट टैक्सेबल। कार फ्रॉम मॉम डैड, बताएं जी, आप लोग भी मोटिवेट हो गए, कराते हैं शादी। ओके, वापस आ जाए, वापस आ जाए, मार्च जहन में लाएं, आई कैप पेपर तरतीब से लेके चले ना चीजों को। अरे इसको ख्वाब आ रहा है, उठा, किधर पहुंचा हुआ था, जन्नत में। पॉइंट नंबर 2, अच्छा यार ये ना नवंबर में बेचारा बीमार हो गया, पहले नहीं नहीं शादी के बाद नहीं, मैंने कहा बिना नवंबर में बेचारा बीमार हो गया एंड वाज एडमिटेड टू सुल्तान हॉस्पिटल, और दूल्हे को सुल्तान हॉस्पिटल ले गए हैं, फुल स्टॉप, इतने तोहफे बर्दाश्त नहीं हुए, फुल स्टॉप। हॉस्पिटल में खर्चा आया है 65,000 रुपये का ऑन हिज ट्रीटमेंट, स्पेशल इलाज हुआ इसका, बट डिड नॉट चार्ज एनी थिंग टू नासिर, लेकिन हस्पताल ने फी सबीलिल्लाह नासिर का इलाज कर दिया। क्यों हॉस्पिटल? Oh, he was employed 5 years back. अच्छा एक बार याद रखिएगा कि एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर चाहे पुराना हो चाहे नया हो चाहे फ्यूचर हो, एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट मिलेगा वो सैलरी के चैप्टर के अंदर ही रहते हुए डील होगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये पुराना एम्प्लॉयर है, इस बात को तो इग्नोर कर दें, बस एम्प्लॉयर ने मुफ्त इलाज करके दिया। अगर हॉस्पिटल आपका एम्प्लॉयर मुफ्त इलाज करके दे देना तो इसके लिए लॉ की एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, ऐसी सूरत में जनरल प्रोविजन नहीं लगानी। जनरल प्रोविजन इलाज कराने वाली पहले मैं ढूंढता हूं, जनरल प्रोविजन जो इलाज करवाने वाली है ना वो है पेज नंबर 103 पर, पेज 103 पर, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल रीइंबर्समेंट, ये जनरल प्रोविजन है इलाज कराने की। इसमें ये है कॉलेज वाले अपने एम्प्लॉय का इलाज करा दें, पेप्सी वाले अपने एम्प्लॉय का इलाज करा दें, नेस्ले वाले अपने एम्प्लॉय का इलाज करवा दें, होंडा अपने एम्प्लॉय का इलाज करवा दें, पेज 103 पर जनरल रूल लिखा हुआ है। एक बड़ा बेनिफिट अवेलेबल है जो हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज को है, वो यहां पर अप्लाई होगा रूल, यहां पर जनरल प्रोविजन ही लगेगी, जब स्पेसिफिक बात आ जाए तो जनरल रूल नहीं लगता।
सवाल में लिखा हुआ है कि सुल्तान हॉस्पिटल में ये नौकरी करता था और हॉस्पिटल अगर अपने एम्प्लॉय को मेडिकल ट्रीटमेंट करके दे दे तो ये एग्जेम्प्ट है, तो ये वाली प्रोविजन लगेगी। तो लिख लें पेज 103 पे 53A, पेज 103 पे 53A लगेगा। हॉस्पिटल अगर अपने एम्प्लॉय को इलाज करा के दे दे तो ये सैलरी में ऐड नहीं होता, पेज 103 53A। तो मेडिकल ट्रीटमेंट एक ही दफा शायद इसकी ट्रीटमेंट कर दिया, ये बंदा अब सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। मेडिकल ट्रीटमेंट जी बोलें, ऑफ 65,000 लिख सकते हैं आप आगे, अस्पताल अगर अपने एम्प्लॉय का इलाज करा दे, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़ा दे, या रेस्टोरेंट अपने एम्प्लॉय को ड्यूटी और में, यहां ड्यूटी और की शर्त है, रेस्टोरेंट वाले में ड्यूटी और में खाना खिला दे तो माफ होता है। बातें खत्म होने की तरफ जा रही हैं, भेरा का स्टॉप आने वाला है, अटेंटिव रहें, यहां से अब नजर भी आने लग गए हैं पेट्रोल पंप उनके। He paid a cash donation of 480,000 to a non-profit idara listed in third. Tax credit नहीं मिलेगा क्योंकि it is paid in cash. ये सिर्फ क्रॉस चेक में दे सकते हैं, ये बैंकिंग चैनल से भी डोनेशन नहीं दे सकते। सेक्शन 61 में लिखा हुआ था कैश में डोनेशन नहीं दी जा सकती, तो इसको इधर लिख लें टैक्स क्रेडिट का लफ्ज़, ताकि जिस वक्त सवाल आए फेस तो फेस पे हम इसको डैश डाल के इग्नोर करें, इसका टैक्स माफ नहीं करना। He received dividend income of 6 lakh from UAE. भाईजान ये फाइनल टैक्स रिजीम नहीं है। अदर सोर्स के चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर डिविडेंड बाहर के मुल्क से मिल जाए तो वो नॉर्मल रिजीम में जाएगा, फाइनल टैक्स रिजीम में नहीं जाएगा। ये न्यूमेरिकल में बात पहली दफ़ा हो रही है। अदर सोर्स के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान सोर्स इनकम फाइनल है और जो डिविडेंड मिला है फॉरन सोर्स से वो इनकम फ्रॉम, और इस पे 15% रेट भी नहीं लगेगा क्योंकि 15% तो रेट पाकिस्तान में है डिविडेंड्स पे, बाहर के मुल्कों में पता नहीं क्या रेट होगा। तो डिविडेंड बाहर के मुल्क से मिला है इसलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। ये कौन सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चल रही थी? पाकिस्तान सोर्स। अब इसको टोटल नहीं करना, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पाकिस्तान सोर्स चल रही थी। अब कौन सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आई है? फॉरेन सोर्स। वर्किंग नंबर 4, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फॉरेन सोर्स इनकम। जी इसमें एक दो तीन लाइनें छोड़ दें वर्किंग 3 में। डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फॉरेन सोर्स इनकम एंड डिविडेंड इज 600। ओके अब अगर इस पर टैक्स दिया होता फॉरेन कंट्री में तो क्या करते? फॉरेन टैक्स रेट देते, कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथियोपिया की तरह इस पर फॉरेन टैक्स रेट देते। अगर बाहर के मुल्क में टैक्स दिया होता तो इस पर फॉरेन टैक्स रेट देते। तो डिविडेंड पे 15% हमने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि फॉरेन सोर्स इनकम। चले आगे। अच्छा मैंने आपको फ्री कर देना है, ये एडजस्टमेंट करा के फ्री करो, न्यूमेरिकल का फेस इंशाल्लाह ब्रेक के बाद, न्यूमेरिकल का फेस इंशाल्लाह ब्रेक के बाद इसको करवाएं। बताएं वो कौन सा है पेज? अच्छा रिडीम का मतलब लिखें सोल्ड, ड्यूरिंग द ईयर ही रिडीम्ड, रिडीम का मतलब होता है सोल्ड, लिख लें कुछ नहीं होता। ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड 4,000 यूनिट्स ऑफ ओपन एंड म्यूचुअल फंड। यूनिट्स ऑफ ओपन एंड म्यूचुअल फंड को लिखें, ये सिक्योरिटीज होती हैं। सिक्योरिटीज में जाके देखिएगा छोटे से बॉक्स में ना ये चीज डाली हुई है, यूनिट्स ऑफ ओपन एंड म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज होती हैं। ही रिडीम 4,000 सिक्योरिटीज एट 58.6 और ये परचेज की थी 3 साल पहले 50 पे, तो ए माइनस बी करके कैपिटल गेन निकालो।
यार कुर्सी पकड़ो, बस इधर इसको करें। वर्किंग नंबर हेडिंग इनकम फ्रॉम सेपरेट ब्लॉक पाकिस्तान सोर्स इनकम जी, गेन कंसिडरेशन बताएं 58 पॉइंट, कॉस्ट बताएं, दोबारा देखें कंसिडरेशन 58 पॉइंट, कॉस्ट 50, क्वांटिटी बताएं, चार हजार इंटू ए माइनस बी, वेयर ए इज एंड बी इज 34, रुपीज इन थाउजेंड में चल रहा। डन। आगे तो एक आसान सी एडजस्टमेंट आपके लिए रखी हुई है, नासिर इज ऑल्सो अ पार्ट टाइम सिंगर। नासिर पार्ट टाइम लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं और इसके लिए पूरा उसने स्टूडियो खरीदा हुआ है इस मकसद के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मौसीकी के आलात तोड़ने के लिए भेजा गया हूँ। ही सोल्ड द प्रेमिसेस, उसने वो प्रेमिसेस बेच दिए, स्टूडियो बेच दिया, उसने वो प्रेमिसेस बेच दिए जिसमें स्टूडियो था। तो प्रेमिसेस से क्या मुराद होगा? बिल्डिंग। वो बिल्डिंग बेच दी है जिसमें स्टूडियो था फॉर 10 मिलियन, उसने वो बिल्डिंग 10 मिलियन में बेची है। ये हो गई पुरानी की। यार ये मोबाइल यूज़ करे भाई? अच्छा कर रहा था। इतनी कंसंट्रेशन से ना आप लोग ऐसे नहीं देख सकते। पुराना इसने बेच दिया 10 मिलियन का एंड शिफ्टेड हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू न्यू प्रेमिसेस, और अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नए प्रेमिसेस में शिफ्ट कर लिए हैं जो कि उसने 74.82 का मिलियन का खरीदा है। तो नई बिल्डिंग की कॉस्ट हो गई 74.82 और पुरानी बिल्डिंग की सेल प्राइस हो गई 10 मिलियन। ही रिसीव 2.5 मिलियन फ्रॉम हिज फादर इन कैश। अबू ने कहा मैं इस काम में तुम्हारा हाथ बटाता हूँ, 25 लाख रुपए तुम मेरी तरफ से पकड़ो, क्या याद करोगे। ही रिसीव 25 लाख, 25 लाख फ्रॉम हिज फादर इन कैश। लोन कैश में लेना, इनकम फ्रॉम जी, डरते डरते बोल रहे हैं लोग 2500 बोलना है या 250 बोलना है या क्या बोलना है, 2500। ओके, ही सोल्ड द प्रेमिसेस इन विद स्टूडियो, अच्छा सॉरी, ही रिसीव्ड 25 लाख फ्रॉम हिज फादर इन कैश एज लोन टू पे फॉर हिज न्यू स्टूडियो। प्रीवियस प्रेमिसेस वॉज परचेज सेवरल इयर्स अगो फॉर 1.4 मिलियन। पुराने की कॉस्ट बताएं, पुराने की सेल प्राइस 10 और नए की कॉस्ट, अच्छा जी पुराने की टैक्स वालों की डब्ल्यू डी बी कितनी थी? 6 लाख। पुराने की टैक्स वालों की डब्ल्यू डी बी थी 6 लाख जिस वक्त आपने उसको बेचा। सेवरल इयर्स अगो लिखे ना, तो आप डब्ल्यू डी बी खुद निकाल नहीं सकते, आप कई साल पहले खरीदे तो डब्ल्यू डी बी आप निकाल नहीं सकते, डेट ऑफ परचेज नहीं दी हुई। नेट इनकम फ्रॉम स्टूडियो वॉज इतने। अब हम नेट प्रॉफिट से शुरू करेंगे। पिछले सवाल में सेल दी हुई थी तो बिजनेस का अमेरिकन हमने सेल से स्टार्ट किया था। इस सवाल में बिजनेस ही है, इसका प्रेमिसेज है, बिल्डिंग है, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रॉपर इसका बिजनेस है। और इधर जो है वो हम नेट इनकम से शुरू करेंगे, इधर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करते हैं और नेट प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड खर्चे ऐड बैक करते हैं। द नेट इनकम फॉर स्टूडियो वॉज 990,000। द खर्चे इनकर्ड वर, सैलरी उसने दी है दो वर्कर्स को 25,000 और 36,000 पर मंथ। ये ढोल बजाते थे, एक को 25,000 दिए, एक को इसने 36,000 दिए और नासिर भंगड़ा डालता था। तो 25,000 और 36,000 इसने दिए, 25,000 तक कैश में पे हो सकती है। वो प्रोविजन जाके गौर से पढ़िएगा। आई कैप आप बॉर्डर पे चीज़ें टेस्ट करने लग गया है, जिसने ये याद नहीं किया हुआ 25,000 का क्या करना है, आई कैप उसको पकड़ और पकड़ के जूते मारा है। एग्जैक्ट 25,000 आप कैश में पे कर सकते हैं क्योंकि सैलरी के लाइन में लिखा हुआ था 25,000 से ऊपर वाली
और बिजली के बिल तो वैसे ही कैश में पे कर सकते हैं, सवाल भी कह रहे सारे खर्चे कैश में पे किए। तो अब शुरू करें जी वर्किंग सिक्स। इनकम फ्रॉम बिजनेस जी मोहतरम, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बोलें जी 9,90,000 मिल गया, 9,90,000 जी, 9,90,000 सैलरी, सैलरी 25,000 वाले को सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ, इसे डैश डाल दें, पर मंथ होगी ना, पर मंथ होगी, मेरा नहीं ख्याल 25,000 साल में दे रहा होगा, पर मंथ ही होती है सैलरी, सैलरीज ऑफ 36,000 जरा 12,432 बिजली के बिल 110 के कैश में दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, पुराने का गेन लॉस निकालने और नए की डेप्रिसिएशन, बोले पुराने का गेन लॉस और नए की, फिर छुट्टी हमारी, पुराने का गेन लॉस नए की डेप्रिसिएशन, क्या करूं पहले नए की डेप्रिसिएशन निकाल दूं, नहीं पुराने का गेन लॉस निकालने पहले, वर्किंग नंबर 6.1 टैक्स गेन लॉस ऑन डिस्पोजल, कंसिडरेशन कितने की बेची है जी पुरानी, जल्दी ढूंढे 10 मिलियन माइनस कर दें टैक्स WDV, कब तक की भाईजन, मैंने बताया हुआ है हमारा साल 22 है तो पिछले साल के एंड तक की वीवी माइनस करनी होती है, क्योंकि हमारे साल नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ, अगर आप बिल्डिंग बेचें और कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ जाए तो बीवी के फॉर्मूले को एक्सटेंड कर दें, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, अगर आप बिल्डिंग बेचें और कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ जाए तो बीवी के फॉर्मूले को एक्सटेंड कर दें, कॉस्ट माइनस अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट सवाल में गिवन है 1.4, ढूंढे मैंने सर्कल की भी है, कॉस्ट है 1.4, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, अकोमोलेटेड से नहीं गिवन, शुक्र है WDV गिवन है तो कमेंट ऑप्शन निकल सकती है, कॉस्ट माइनस बीवी 800 डन, लेकिन वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग एक्सीड द कॉस्ट, द कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज, इसको काटें और इसको काट के 10,000 लिखते, 10,000 माइनस 800 बानवे, गेन लॉस बता दें, चलेंगे नोट कर, अच्छा आप लोगों को मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, 11:30 तक आ सकते हैं आप लोग, मैं 11:25 पे आकर न्यूमेरिकल का फेस बना दूंगा, फिर उस फेस की आप तस्वीर खींच लीजिएगा, लेकिन अगर फेस आपने मेरे साथ साथ देखने कैसे बनाने
तो फिर 11:25 पे आ जाइएगा। फेस तो आसान ही है, फेस तो कोई मसला नहीं, फेस में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसके। सबर है, गेन को मेन वर्किंग सिक्स में तो डाल लेने दो। गेन 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 कितने हैं? 800। इसका नाम टैक्स वालों का बोलें, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ लेस टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के इनिशियल अलाउंस नहीं, ये कोई प्लांट है, इट इज़ अ बिल्ड, टैक्स गेन ऐड होगा, मैं मुझे पता है टैक्स गेन ऐड होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऐड होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऐड होगा टैक्स गेन। अच्छा नेक्स्ट, बबल हटाना बंद करना, अब सोच। टैक्स वाला डिडक्शन कॉस्ट बताएं, कॉस्ट नए की 7,4,820, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%, तो ये क्या है? फाइव टू सिक्स जीरो का क्या आ गया? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। इसी लॉस के साथ हम खत्म करते हैं अपनी बात, पार्ट बी क्लोज करें, इंशाल्लाह पार्ट सी हम शुरू करेंगे। तो हाँ क्यों पूछ रहे हो, क्लोज कर दो।